हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का टाइप 3 का सवाल देखेंगे। हाँ तो दोस्तों, कल टाइप 2 का सवाल हम लोग देखे थे, चलो आज फिर देख लेते हैं टाइप 2 में किस प्रकार का सवाल बनता है, इसके बाद टाइप 3 चलेंगे। ठीक है, टाइप 2 में इस प्रकार का सवाल हम लोग कल पढ़े थे ना। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी और सी मिलकर 40 दिनों में, तथा ए और सी मिलकर 60 दिनों में करते हैं। तो बताइए बी और सी उस काम को अलग अलग कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस प्रकार का सवाल कल हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन चलो आज फिर थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद टाइप 3 चलेंगे। देखो सोल्यूशन इसका कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग आदमी लिखते थे, समय लिखते थे, कार्य क्षमता लिखते थे, और फिर पूरा कार्य लिखते थे। आदमी ए प्लस बी एक बार में करता है, फिर बी प्लस सी करता है, और फिर ए प्लस सी करता है ना। ए प्लस बी 30 दिन में करता है, बी प्लस सी कितने दिन में करता है? 40 दिनों में। और ए प्लस सी कितने दिन में करता है? 60 दिनों में। चलो टोटल काम पहले इसका निकाल लेते हैं। टोटल काम कैसे निकलेगा? 30 40 60 का एलसीएम जब लोगे तो 120 यूनिट हो जाएगा इसका टोटल काम। ए प्लस बी का क्षमता कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 4 यूनिट। बी प्लस सी का 3 यूनिट और ए प्लस सी का 2 यूनिट ना बोलता है बी प्लस। तो बताइए बी और सी उस काम को अलग अलग, बी और सी अलग अलग कितने दिनों में करेंगे ना। तो चलो एक बार सबका पहले निकाल लेते हैं। 2A 2B 2C बराबर एक दिन में कर रहा है 4 3 7 2 9 यूनिट काम कर रहा है, अर्थात 2 कॉमन ले लो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 9। तो A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा? 9 बटे 2 यूनिट काम करता है एक दिन में, मतलब तीनों मिलके एक दिन में 9 बटे 2 यूनिट काम करता है ना। इसमें क्या पूछता है? B और C ना, B और C अलग अलग। तो अगर इसमें ए और बी का मान रख दे तो सी का मान निकल जाएगा ना। तो ए बी का मान कितना है मेरा? ए बी का मान है 4 यूनिट ना, 4 यूनिट यहाँ लिख दिया बराबर 9 बटे 2 यूनिट। तो इधर बच गया सी ना, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 9 बटे 2 माइनस 4 यूनिट, अर्थात सी का 1 बटे 2 यूनिट, मतलब आधा यूनिट कार्य करने का क्षमता है। फिर अभी बी प्लस सी का मान रख आदमी के अभी सी ना, अभी ए प्लस बी का मान रखा तो सी का निकल गया, और बी पूछ रहा है बी के लिए ए और सी का मान रख दे तो बी का निकल जाएगा। ए प्लस सी का मान कितना है? ए प्लस सी का मान है तुम्हारा जाके 2 यूनिट, 2 यूनिट प्लस बच गया बी आदमी, बी ए प्लस सी का मान 2 यूनिट, और टोटल यूनिट कितना है भाई? 9 बटे 2 यूनिट ना। तो चलो बी का हो जाएगा 9 बटे 2 घटा 2 यूनिट, बी बराबर 5 बटे 2 यूनिट होगा, दुगना 4 9 में 4 आ जाएगा 5, 5 बटे 2 यूनिट। अब बोलता है सी और बी अलग अलग करें ना, अकेले अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो सी का देखो, तो सी अगर अकेले करना चाहे 120 यूनिट तो कितने में करेगा? 120 बटे नीचे आता है सी अगर करना चाहे तो 120 बटे 1 बटा 2 यूनिट, आधा यूनिट डेली करता है। तो इसको सोल्यूशन कर दो, जब इसको पलटे थी गुना में लाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 120 गुना 2 240 दिन लगा देगा है सी अकेले ना। अगर बी करना चाहे तब, अगर बी करना चाहे इसी काम को तब 120 भागा 5 बटा 2 तो कितना आ जाएगा? 120 गुना 2 बटे 5 24 49 दिन। खैर इस प्रकार का सवाल हम लोग कल पढ़ चुके थे, इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते थे टाइप 3 किस प्रकार। दोस्तों टाइप 3 का पहला सवाल देखते हैं। इसमें सवाल देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा, किसी काम का कुछ भाग दिया रहेगा और उसका समय दिया रहेगा कि इतना दिन में करता है। तो इस प्रकार सवाल बने, देखो इसमें जैसे ये सवाल हुआ, यदि राम किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में तथा मोहन उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले दिया रहता था राम सॉलिड काम को इतना दिन में समाप्त करता था, लेकिन इसमें वैसा नहीं दिया है, इसमें दिया है
यदि राम किसी काम का 1/3 भाग टोटल काम दिया नहीं है, कितना 1/3 भाग ये कितना दिन में 5 दिन में करता है, ठीक है 1/3 भाग ही, लेकिन संपूर्ण भाग इसमें नहीं दिया है, संपूर्ण भाग दिया रहता था तुरंत बनाते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या किया है उलट फिर कि राम किसी काम का 1/3 भाग मतलब उसका 1/3 भाग ही 5 दिन में करता है। तो संपूर्ण भाग पहले हम लोग निकालते हैं, चलो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे कैसे होगा। राम 1/3 भाग क्या दिन में करता है, 5 दिन में, अगर इस संपूर्ण भाग करना चाहे तब संपूर्ण भाग मतलब पूरा पूरी भाग करना चाहे तब क्या आ जाएगा, 5/1/3 होगा है, अर्थात 15 दिन में करेगा, 3 ऊपर चल जाएगा ना, 1/3 बट्टा में है तो भाग को जब पलटेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो 5 3 15 दिन हो गया यहाँ तक। चलो ये राम का निकल गया ना, मोहन उस काम का 2/5 भाग, देखो मोहन उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में समाप्त करता है ना, चलो मोहन, अब ये निकल गया तुम्हारा राम का ना, अब चलो मोहन का निकालते हैं, मोहन जो करता है 2/5 भाग करता है, इसमें भी संपूर्ण भाग नहीं दिया है 2/5 भाग दिया है, 2/5 भाग क्या दिन में करता है, 10 दिन में, अगर इस संपूर्ण भाग करना चाहे तो क्या दिन लगा देगा, संपूर्ण भाग यानी पूरा पूरी भाग करना काम करना चाहे तब, संपूर्ण यानी 1 भाग करना चाहे तब कितना 10/2/5, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 5 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा ना, 2 5 10 5 25 दिन यहाँ तक समझ में आया। चलो बस इसको इतने को ही करना है, यही स्टेप थोड़ा सा समझना है, अब बाकी बात वही हम लोग करते हैं, इतना कर लेने के बाद हम लोग लिखते थे इधर आदमी लिखते थे, समय लिखते थे, कार्य क्षमता लिखते थे और एक पूरा कार्य लिखते थे ना, पूरा कार्य। चलो आदमी है पहले राम ना, राम और मोहन इसका संपूर्ण भाग निकाल दिए हैं, राम अगर संपूर्ण भाग काम करना चाहे तो कितना दिन लगाएगा, 15 दिन मतलब 15 दिन में ही खत्म कर देता है ना, और मोहन अगर संपूर्ण भाग करना चाहे तो 25 दिन में, 25 दिन में, यहाँ तक समझ में आया। चलो ठीक है, यहाँ तक जब समझ में आ गया थी जो पहले हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 में पढ़े थे इस प्रकार का सवाल, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पूरा काम निकाल देंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 150 यूनिट हो जाएगा ना। चलो तो इसका क्षमता कितना है राम का, राम मतलब 1 दिन में क्या यूनिट काम कर सकता है, 10 दिन में 15 × 150 मतलब 15 दिन में 150 यूनिट काम खत्म कर देता है, तो 1 दिन में क्या यूनिट, 10 यूनिट। मोहन 25 दिन में 150 यूनिट काम करता है, तो 1 दिन में 6 यूनिट ना। अब बोलता है दोनों मिलकर टोटल काम मेरा कितना आ रहा है, 150 यूनिट ना, टोटल काम 150 यूनिट। बोलता है ये दोनों अभी मिल जाता है, राम और मोहन दोनों मिल गया तो काम क्या दिन में समाप्त हो जाएगा भाई, राम और मोहन मिल गया तो राम और मोहन 1 दिन में क्या यूनिट काम करेगा, 16 यूनिट काम करेगा ना, तो 150 यूनिट काम करने में क्या दिन, 1 दिन में 16 यूनिट, तो 150 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 150/16 कटा दो 2 8 16 2 7 14 बचाए 1 + 10 2 5 10 अर्थात 75/8 दिन में खत्म कर देगा, इसको पूर्णांक में बदलना चाहो तो 9 8 72 8 9 72 3 बचा 8/8 9 पूर्णांक 3/8 दिन में समाप्त कर देगा, ये हो गया तुम लोगों का आंसर। बस इसमें करना क्या है, इसमें यही थोड़ा सा स्टेप बड़ा होगा कि संपूर्ण भाग निकाल लेना है, अब बाकी बात उस पर चले उस पर बन जाएगा क्या, अगर यहाँ भी थोड़ा समझो इसको अगर हम लोगों का दिमाग होगा तो यही कर सकते हैं, 1/3 भाग 5 दिन में करता है संपूर्ण भाग 15 दिन में, यहाँ से भी दिमाग में आ जाएगा, 1/3 भाग 5 दिन में अगर टोटली काम करना चाहे तो 15 दिन लगा देगा, ये 2/5 भाग 10 दिन में, तो टोटल करना चाहे 10 × 5/2 अर्थात 25 दिन में, वो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। इसके बाद अगर उस तरह नहीं कर पाते थोड़ा सा कर लेंगे, बाकी बात उस पर ढाल देंगे। चलो ठीक है, चलिए टाइप 3 का दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, टाइप 3 का दूसरा सवाल यहाँ मौजूद है। चलो एक किसी काम के 1/3 भाग 6 दिनों में तथा बी उसी काम के 2/5 भाग 6 दिनों में ना कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर 3/5 भाग काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे ना, समझ में आया जहाँ तक।
पहले सवाल को समझो। कहता है ए किसी काम के घंटे 3 भाग 6 दिनों में तथा बी उसी काम को 2 घंटे 5 भाग 6 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 3 घंटे 5 भाग काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले क्या बोले, संपूर्ण भाग पहले दोनों का निकाल लो ना, संपूर्ण भाग 1 घंटा 3 भाग 6 दिन में अगर संपूर्ण भाग करना चाहे तो 18 दिन लगा देगा ना। इसको देखो ए करता है 1 घंटा 3 भाग करता है क्या दिन में, 6 दिन में। अगर संपूर्ण भाग करना चाहे मतलब पूरी भाग करना चाहे संपूर्ण 1 भाग करना चाहे तो क्या दिन लगा देगा, 6/1/3 अर्थात 18 दिन लगा देगा ना। उसी प्रकार बी देखो, बी कितना करता है 2/5 भाग 6 दिन में, संपूर्ण भाग करना चाहे तब संपूर्ण भाग अर्थात 1 भाग करना चाहे तब 6/2/5 अर्थात 6×5=30 15 दिन लगा देगा ये ना। चलो यहाँ तक कर दिए, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक कर लिए, इधर साइड में कर लेना कहीं। ए करता है क्या दिन में, 18 दिन में। बी करता है क्या दिन में, 15 दिनों में। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 18 15 का एलसीएम 90, 18 15 का एलसीएम 90 यूनिट होगा। टोटल काम हो गया 90। ए का क्षमता कितना निकला, 18 5 90 और बी का क्षमता 15 6 90 6 यूनिट ना। समझ में आया जब तक, समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो आदमी है, समय है, कार्य क्षमता है, पूरा काम है, इसको नहीं लिखा कोई दिक्कत? नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये बोलता है कि तो दोनों मिलकर 3/5 भाग भाई दोनों मिल जाता है, टोटल काम कितना है मेरा 90, 90 का 2/3 भाग काम दोनों क्या दिन में समाप्त करेगा ये ना। तो पहले देखो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है, दोनों मिलकर ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 6/5 11 यूनिट ना, 11 यूनिट तो करता है एक दिन में ए प्लस बी मिलके। ठीक है, तो 90 यूनिट काम करना है इसको, क्या इसको 90 यूनिट काम नहीं करना है, 90 का 2/3 यूनिट ही काम करना है। पूछ रहा है 90 का 2/3 काम क्या दिन में समाप्त करेगा, तो 90 का 2/3 मतलब का मतलब गुना 2/3 यहाँ कर दो, 2 3 30 90 30 यूनिट 30 × 60 यूनिट मतलब आप टोटल काम कितना बचा है 60 यूनिट। एक दिन में क्या यूनिट काम करता है 11 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने में क्या दिन लगाएगा, 60/11 11 5 55 5/11 दिन लगा देगा ना। ए 18 दिन में, एक दिन में 5 यूनिट, बी 15 दिनों में समाप्त करता है एक दिन में 6 यूनिट। अब ये बोलता है दोनों मिल जाए, दोनों मिल गया भाई एक दिन में 5 यूनिट 6 यूनिट तो दोनों मिल गया एक दिन में 11 यूनिट। अब कहता है टोटल काम जो था उसका 2/3 भाग ही काम करना है, तो टोटल काम मेरा 90 यूनिट था उसका 2/3 भाग कर दिया तो 60 यूनिट निकला मेरा। अभी 60 यूनिट काम को ही करना है 11 यूनिट की दर से, तो 11 से भाग दे दिए 5/5/11 दिन में समाप्त कर दिया। ये दोस्तों टाइप 3 का तीसरा सवाल हम लोगों के सामने में है, इसमें बोलता है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि बी उस काम का 1/3 भाग 12 दिनों में समाप्त कर देता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन कितने समय में करेंगे ना। चलो इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है। इसमें सबसे पहले देखो ए प्लस बी का तो दे दिया संपूर्ण भाग 24 दिन में, लेकिन बी का संपूर्ण भाग नहीं दिया ना। चलो बी का निकाल लेते हैं हम लोग संपूर्ण भाग। बी 1/3 भाग जो करता है वो क्या दिन में करता है, 12 दिन में करता है, 12 दिन में। अगर संपूर्ण भाग करना चाहे तो क्या दिन लगा देगा, संपूर्ण भाग अर्थात 1 भाग लगा 12/1/3 अर्थात 36 दिन लगा देगा ये ना। बी 36 दिन लगा देगा, जबकि ए प्लस बी क्या दिन लगाता है, ए प्लस बी का दिया है 24 दिन, बी अकेले करता है जाके 36 दिन में ना। टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, ये 24 यूनिट करता है 36 यूनिट, अगर दोनों का एलसीएम निकाल दे टोटल वर्क मेरा निकल जाएगा ना। 24 और 36 का एलसीएम 72 होता है, 72 यूनिट मेरा टोटल काम हो गया ना। इसका क्षमता देखना है, ये 24 यूनिट कर 24 दिन में करता है 72 यूनिट काम, तो एक दिन में 3 यूनिट करता होगा ये, 36 दिन में करता है 72 यूनिट मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा ना। आप बोलता है ए अकेले, बी तो दिया है, बी तो 36 दिन में करता है, तो ए अकेले क्या दिन में करेगा,
तो ए अकेले ए प्लस बी करता है जा करके तीन यूनिट एक दिन में, तो ए के जगह पर अगर बी का वैल्यू दिया है ना, ए प्लस बी का वैल्यू मेरा टू यूनिट दिया है तो थ्री यूनिट, तो ए का क्षमता निकल जाएगा, तीन में दो गया एक यूनिट, मतलब ए का औकात पता चल गया कि ए एक दिन में एक यूनिट काम करता है ना, ए एक दिन में एक यूनिट काम करता है तो टोटल काम कै दिन में करेगा, ये अकेले अगर करना चाहे तो 72/1 दिन में, अर्थात 72 दिन में क्या। चलिए टाइप थ्री का चौथा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों टाइप थ्री का चौथा सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। खौ किसी काम का 3/4 भाग 30 दिनों में समाप्त करते हैं, बाद में खौ को मिलाकर शेष कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं, बताओ अगर खौ अकेले उस कार्य को करता तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेता। चलिए खौ के बारे में पूछ रहा है कि खौ अगर अकेले करता तो कितना दिन में करता। चलिए इसको देखते हैं। खौ किसी काम का 3/4 भाग, इसमें बोले संपूर्ण सबका पहले निकाल लेना। खौ जो करता है 3/4 भाग करता है क्या दिन में, 30 दिन में। अगर ये संपूर्ण भाग करना चाहे तो, संपूर्ण भाग करना चाहे तो 30/3/4 अर्थात 30 × 4/3, 3 × 30 = 40 दिन में करता है। यह तो समझ में आ गया दोस्तों। अब बोलता है बाद में खौ को मिलाकर शेष कार्य को, शेष कार्य मेरा कितना बचा है, 3/4 भाग तो काम हो चुका है, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य को एक में घटा दे तो शेष कार्य निकल जाएगा मेरा, 1/4 भाग मिलेगा निकल गया। 1/4 भाग जो काम करता है ये कौ और खौ दोनों मिलकर करता है ना, कौ प्लस खौ मिलकर करता है, 1/4 भाग क्या दिन में करता है, 4 दिनों में। अगर ये संपूर्ण भाग करना चाहे तो 16 दिन लग जाएगा इसको। चलिए यहाँ तो हो गया। अब हम लोगों को वही करना, कम करना जो टाइप वन और टाइप टू में करते थे, आदमी लिखते थे, समय लिखते थे, कार्य क्षमता लिखते थे और पूरा कार्य लिखते थे। आदमी मेरा है पहले कौ काम कर रहा है 40 दिन में, कौ प्लस खौ कर रहा है 16 दिन में ना। चलिए टोटल काम हो गया हम लोगों का 40 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो 160 हो जाएगा, मतलब टोटल काम 160 यूनिट हो गया। चलिए तो कौ का क्षमता कितना है, कौ का कितना कैपेसिटी है एक दिन का, 4 यूनिट कैपेसिटी है। कौ प्लस खौ दोनों का कैपेसिटी कितना है एक दिन का, 10 यूनिट है। चलिए अगर बोलता है खौ अकेले ना, खौ अकेले उस कार्य को करता है तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेता है। चलो कौ प्लस खौ का मान दिया 10 यूनिट, जिसमें कौ का मान दिया है 4 यूनिट, तो खौ का निकल जाएगा बराबर 10 यूनिट, तो खौ का निकल जाएगा मेरा 6 यूनिट। खौ एक दिन में करता है, खौ का पावर है एक दिन में 6 यूनिट करने का, मतलब खौ का औकात है एक दिन में 6 यूनिट काम कर लेता है, तो 160 यूनिट काम करने में कितने दिन लगा देगा ये, तो 160/6, 2 से कटा दो, 2 × 3 = 16 = 1 / 80/3 अर्थात इसको पूर्णांक में जब बदलोगे 26 × 3 = 78 / 2 = 80 / 2/3 = 26 × 2/3 दिन में ख़त्म कर देगा। खौ अगर अकेले करना चाहे तो 26 × 2/3 दिन में समाप्त कर देगा, या तो 80/3 दिन में समाप्त कर देगा। चलिए दोस्तों टाइप थ्री का पांचवा सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों टाइप थ्री का पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें बोलता है गौरव किसी काम का 7/10 / 15 दिनों में करता है तथा शेष काम मनीष की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर देता है, तो दोनों अगर मिल जाए तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, यही कहता है सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं सब सवाल कैसे बनता है सवाल। इसमें बोलता है गौरव किसी काम का 7/10 भाग, इसमें बोले संपूर्ण भाग पहले निकाल लेना है हम लोगों को। गौरव मतलब जो गौरव नाम का लड़का है, इस 7/10 भाग जो करता है 15 दिन में करता है। अगर ये संपूर्ण भाग करना चाहे, मतलब पूरा पूरी काम करना चाहे तो क्या दिन में करेगा, ये 15 × 10/7 हो जाएगा अर्थात 150/7 दिन लगा देगा ये न। शेष काम कितना बच गया, यहाँ समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया। चलिए 7/10 भाग 15 दिन में करता है, अगर एक भाग करना चाहिए चाहेगा तो 15/7/10 होगा, 15/7/10, 10 ऊपर चल जाएगा 7 नीचे रह जाएगा, 15 × 150/7 वही किया है ठीक है।
चलिए शेष कार्य कितना बच गया, एक काम में 7/10 भाग काम हो चुका है, पूरा पूरी एक काम है उसमें 7/10 भाग काम हो चुका है, शेष बचा तुम्हारा 3/10 भाग, शेष 3/10 भाग काम बचा है मेरा। चलिए शेष काम को करता है मनीष की सहायता से, मतलब गौरव तो है ही, इसमें मनीष को भी शामिल कर लिया है, मतलब गौरव तो कर ही रहा है उसमें मनीष को भी शामिल कर लेता है जल्दी काम खत्म करने के लिए। चलिए गौरव तो है ही प्लस इसमें मनीष को भी ऐड कर लिया है, गौरव और मनीष मिलकर 3/10 भाग जो काम करता है क्या दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। अगर संपूर्ण भाग करना चाहे तो कितना हो जाएगा, 4/3/10 अर्थात 40/3 दिन में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे हम लोग वही काम करेंगे जो करते हैं। पहले आदमी है, आदमी पहले एक बेचारा गौरव अकेले था, एक कर रहा था 150/7 दिन में, अब ये गौरव प्लस मनीष दोनों आ गया है भाई, तो एक कर रहा है 40/3 दिन में ना। अब बात यहाँ आ गया, भिन्न में आ गया, पहले हम लोगों को सिंपल रूप में रहता था तो हम लोग लघुत्तम निकाल लेते थे, अब तो भिन्न में आ गया कैसे करेंगे। तो चलिए हड़बड़ाना नहीं है, इसको करने का तरीका क्या है, अगर भिन्नों का भिन्न में दिया रहे तो उसका लॉस कैसे निकालते हैं, भिन्न का लॉस निकालते हैं ऊपर का लॉस और नीचे का मोस, मतलब ऊपर का लघुत्तम समावर्तक और नीचे का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो ऊपर मतलब इसका 150 और इसका 40, 150 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 7/3 का जब मोस निकालोगे तो 1 हो जाएगा, 1 नीचे लिखे या न लिखे तो कोई बात नहीं। चलिए मतलब टोटल काम मेरा 600 यूनिट हो गया, समझ में आ रहा है, मतलब 150/7 दिन में 600 यूनिट काम करता है गौरव। अगर एक दिन का निकालना चाहे मतलब कैपेसिटी जानना चाहे तो तब क्या हो जाएगा, 600 में भाग दे देंगे, 600 में भाग दे देंगे 150/7 से, तो इसका निकल जाएगा 7 ऊपर चल जाएगा 15 × 6 = 60 28 दिन निकल जाएगा ये। इसका अगर गौरव प्लस मनीष का निकालना चाहे तो 600/40/3 अर्थात 600 × 3/40 15 × 45 दिन लगा देगा ये, नहीं 15 × 45 दिन गौरव प्लस मनीष शेष काम को 45 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, ये 45 दिन में करेगा, अगर इसको क्या बोलता है तो दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर ना, दोनों मिल तो है यहाँ, दोनों मिलकर एक दिन में 45 यूनिट काम करता है, तो इस 600 यूनिट काम करने में कितना दिन लगाएगा, 600/45 15 × 45 15 × 6 = 60 40/3 अर्थात 13 × 3 दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसको थोड़ा अपने से सॉल्यूशन कीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बस यही किया है। जब भिन्न में दिया रहे हैं तो भिन्न का लॉस निकालते हैं, ऊपर का लॉस होता है और नीचे का मोस होता है, ये फॉर्मूला होता है, जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो उस समय हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, मतलब गौरव प्लस गौरव और मनीष करना चाहेगा संपूर्ण भाग काम को, संपूर्ण भाग तो 13 × 3 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है चलिए आगे हम लोग कल मिलते हैं टाइप 4 की ओर, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारे चैनल का नाम है DK7643। ठीक है दोस्तों, चैनल का नाम है DK7643, इसको फॉलो करें आप लोग और सब्सक्राइब करें, जिसमें आप लोगों को हर प्रकार के सवाल मिलेंगे, हर टॉपिक से सवाल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।